स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक समय की बात है, कुशीनगर नाम के एक राज्य पर सूरजभान नाम के राजा का राज हुआ करता था। राजा सूरजभान के एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी अनामिका। राजकुमारी अनामिका शकल सूरत से बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बड़ी ही नेक दिल राजकुमारी थी। अनामिका की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। महाराज जल्द से जल्द उसकी शादी किसी अच्छे राजकुमार से कर देना चाहते थे। इसके लिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि राजकुमारी की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि अपने पिता होने के कर्तव्य को वो पूरा कर सके। महाराज सूरजभान एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। महाराज के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और समझदार मंत्री भी थे। इन्हीं मंत्रियों में से एक था जिसका नाम था अमरकांत। मंत्री अमरकांत राजा के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं था। मंत्री अमरकांत बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। राजकुमारी की सुंदरता पर वह मोहित हो चुका था। वो चाहता था कि महाराज अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दें ताकि उसे राजकुमारी के साथ साथ राजगद्दी भी मिल जाए। मंत्री अमरकांत उम्र में काफी बड़ा था लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अमरकांत ने ये बात भी अभी तक किसी से नहीं कही थी कि वो राजकुमारी अनामिका से शादी करना चाहता है। एक दिन की बात है, जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मंत्री अमरकांत ने सोचा कि जब यह बारिश थम जाएगी तो वो महाराज से मिलने के लिए उनके महल में जाएगा और उनसे प्रार्थना करेगा कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। जब बारिश थम गई तो मंत्री अमरकांत खूब बन ठन कर अपने घर से निकला। वो राजा के महल की तरफ चल दिया। महाराज अपने कमरे की खिड़की से महल के बागीचे की रौनक देख रहे थे। बारिश के कारण सभी पौधे साफ सुथरे और चमकते हुए नजर आ रहे थे। ये सारा नजारा देखकर महाराज मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जब मंत्री अमरकांत महाराज के कमरे में आया तो उसे देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, आओ मंत्री जी, आओ, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। मंत्री जी ने जब महाराज को इतना खुशगवार देखा तो मन ही मन में वो भी बहुत ही खुश होने लगा। मंत्री के मन में ये उम्मीद जाग उठी कि महाराज जो इस समय इतना खुश हैं इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। मन ही मन में मंत्री मुस्कुरा रहा था। तब राजा उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे, मंत्री जी, हमारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, हमने उसकी शादी का फैसला कर लिया है। मंत्री अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहने लगा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। लड़कियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके विदा कर देना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल के जमाने में अच्छे लड़कों की कितनी कमी है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। महाराज ने अपने मंत्री की पूरी बात भी नहीं सुनी और कहने लगे, मंत्री जी, शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आप राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। हम आपकी वफादारी से बहुत ही खुश हैं। इस खुशी में हम ये अपना कीमती हार आपको इनाम में देते हैं। ये कहते हुए महाराज ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला निकालकर मंत्री को दे दी और फिर आगे कहने लगे, हमने खुद भी राजकुमारी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है और वो लड़का हमारे पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा है। वो आजकल हमारे यहाँ पर आया हुआ है, वो हमारा मेहमान है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए हैं। हमने ये फैसला किया है कि बहुत ही जल्द इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। और फिर महाराज ने बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वो दोनों महल के बगीचे में टहल रहे हैं। मंत्री ने जब ये सारा किस्सा सुना तो उसके सारे सपने टूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले राजा को घूरने लगा। महाराज ने मंत्री की ऐसी हालत देखी तो कहने लगे, मंत्री जी, हमें मालूम है कि आप अनामिका को अपनी बेटी की तरह से प्यार करते हैं,
आपकी ऐसी हालत देखकर हम समझ गए कि आप राजकुमारी के ससुराल चले जाने की बात से कितना दुखी हो गए हैं। मैं भी जब ऐसा सोचता हूँ कि राजकुमारी मुझसे बिछड़कर अपने ससुराल चली जाएगी तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो जाती है। लेकिन आप अपने मन को शांत रखें, बेटियां तो पराया धन होती हैं। ये कहते कहते महाराज की आंखों में भी आंसू छलक आए। थोड़ी ही देर के बाद मंत्री महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। मंत्री अमरकांत को इस बात का बहुत ही दुख था कि राजकुमारी अनामिका की शादी उसके साथ ना होकर किसी दूसरे राजकुमार के साथ हो रही है, क्योंकि मंत्री अमरकांत एक बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने मन ही मन में ये विचार बनाया कि क्यों ना महाराज की हत्या कर दी जाए। अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे राजगद्दी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ राजकुमारी से उसकी शादी भी हो जाएगी। उस रात मंत्री को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो महाराज की हत्या करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने मन ही मन में एक योजना बना ली। मंत्री ने सोचा कि वह महाराज के रसोइयों को अपने साथ मिलाकर महाराज के खाने में कोई जहरीली चीज मिला देगा और महाराज के मरते ही वो राजगद्दी संभाल लेगा। इसके बाद पूरे राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी तो राजकुमारी अनामिका से शादी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह से पूरी योजना बनाने के बाद वो आराम से सो गया। अगले दिन राजमहल में महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम, जो कि अनामिका का मंगेतर था, जब खाना खाने के लिए बैठे तब महाराज के चेहरे पर चिंता और परेशानी की झलक देखकर महारानी ने ये अंदाजा लगा लिया कि अवश्य ही महाराज किसी गहरी परेशानी में है। महारानी ने कहा, महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका चेहरा देखकर मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं। अगर आप उचित समझें तो अपनी समस्या के बारे में हमें बता सकते हैं। महाराज ने कहा, महारानी आपने बिल्कुल ठीक समझा, सचमुच मैं बहुत ही परेशानी में हूँ और मेरी परेशानी का कारण ये है कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं एक जंगल में शिकार खेलने गया। जब मैं शिकार खेलते खेलते थक गया तो मैं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। वहां बैठे हुए मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे पीछे से एक काले रंग का सांप बड़ी ही तेजी से मेरी तरफ पड़ा और मेरे पांव को डसकर अपने बिल में जा घुसा। भय और डर के कारण मेरा बुरा हाल हो गया था। महाराज के सपने के बारे में सुनकर महारानी भी अब चिंतित हो गई थी। कुछ देर के बाद महारानी ने राज ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाकर उन्हें महाराज के सपने के बारे में बताया और फिर इस सपने का मतलब जानना चाहा। राज ज्योतिषी, जो पिछले कई सालों से महाराज के दरबार में काम करता था, उसकी ज्योतिष विद्या पर महाराज को भी पूरा विश्वास था। राज ज्योतिषी ने बड़े ही ध्यान से महाराज का पूरा सपना सुना और फिर अपने साथ लाई हुई पोथियां खोलकर उनमें कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। महाराज, महारानी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार संग्राम सब के सब दम साधे हुए ज्योतिषी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद ज्योतिषी ने अपना सारा हिसाब किताब लगाया और वो महारानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, महारानी जी, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि महाराज की उम्र लंबी हो, लेकिन अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने ये पता लगाया है कि महाराज का कोई दुश्मन पैदा हो गया है जो किसी भी कीमत पर महाराज की हत्या करना चाहता है। महाराज ने अपने सपने में जो काला सांप देखा था वो इसी दुश्मन की तरफ इशारा है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या से केवल इतना ही पता लगा पाया हूँ, मैं उस दुश्मन का नाम नहीं पता लगा पाया। फिर भी मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अगर इस दुश्मन को ना पकड़ा गया तो वो अपनी बेईमानी और मक्कारी से अवश्य ही महाराज का कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। ज्योतिषी की बात सुनकर महारानी के होश उड़ गए। महाराज स्वयं भी बहुत ही दुखी हो गए। राजकुमारी अनामिका की आंखों से तो डब डब आंसू बहने लगे। राजकुमार संग्राम ने जब राजकुमारी को रोते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, राजकुमारी अनामिका, आप बिल्कुल भी दुखी मत हों। जब तक मैं जिंदा हूँ महाराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के दुश्मनों को मैं बहुत ही जल्दी पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर
अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महाराज और महारानी ने भी अब चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि राजकुमार संग्राम इस दुश्मन को पकड़ने में अवश्य ही सफल हो जाएगा। महाराज वहां से उठकर राज दरबार में चले गए, क्योंकि राज दरबार की कार्यवाही का समय हो चुका था। महारानी भी अपने बाकी के कामों में लग गई, जबकि राजकुमारी अनामिका की कुछ सहेलियां वहां पर आई और वो उनसे बातें करने लगी। राजकुमार संग्राम कुछ सोचने में व्यस्त था कि अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपाय आ गया। वो कमरे से निकलकर शाही बागीचे में आ गया। उसने देखा कि सेब के पेड़ पर एक तोता पका हुआ सेब खाने में लगा हुआ था। राजकुमार संग्राम छुपते छिपाते पेड़ पर चढ़ा और बड़ी ही फुर्ती से उसने तोते को पकड़ लिया। उसने तोते को एक बहुत ही सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमार संग्राम तोते का पिंजरा लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। महाराज राज दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। बाकी सभी दरबारी भी महाराज से विचार विमर्श कर रहे थे। जब राजकुमार संग्राम तोते को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो उसने महाराज से कहा, महाराज मेरे पिताजी ने एक जादुई तोता आपके लिए उपहार स्वरूप भेजा है, आप इस उपहार को स्वीकार कर लें। ये तोता आपको हर पूर्णमासी की रात को आपके दुश्मनों के नाम बताकर आपको सावधान किया करेगा। अब क्योंकि कल पूर्णमासी की रात है तो तोता कल रात जिस भी व्यक्ति का नाम लेगा तो समझ जाइएगा कि वो आपकी जान का दुश्मन है। महाराज समझ चुके थे कि राजकुमार संग्राम उनके दुश्मन को पकड़ना चाहता है। महाराज ने वो पिंजरा अपने पास रख लिया। दरबार में मौजूद सभी लोग इतना बेहतरीन और जादुई तोता देखकर वाह वाह करने लगे। मगर मंत्री अमरकांत की हालत खराब हो रही थी। उसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वही तो महाराज का दुश्मन था। इसीलिए वह इस झूठ मूठ के जादुई तोते से भयभीत होने लगा। राज दरबार की कार्यवाही पूरी होने के बाद महाराज ने वो तोते का पिंजरा शाही बाग में सेब के पेड़ पर लटका दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन महाराज महारानी संग्राम सिंह और राजकुमारी की आंखों में नींद कहां पर थी, क्योंकि वे लोग तो महाराज के असली दुश्मन को देखना चाहते थे। वे सभी एक कमरे में छुप गए और वहां से बाग की निगरानी करने लगे। आधी रात गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मंत्री अमरकांत बागीचे की दीवार फांदकर अंदर आ घुसा और तोते के पिंजरे को पेड़ से उतारने लगा। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था। मंत्री ने सोचा था कि वह तोते का खात्मा कर देगा ताकि तोता महाराज के सामने उसका नाम ना ले सके। मगर जैसे ही मंत्री ने तोते का पिंजरा खोला, वैसे ही महाराज महारानी राजकुमारी और संग्राम सिंह कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़े हुए। राजकुमार संग्राम ने कहा, महाराज आपका दुश्मन अब आपके सामने है, वो पकड़ा जा चुका है। यही वो आदमी है जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। महाराज की आंखें गुस्से से अंगारा हो गई, जबकि मंत्री डर के मारे थरथर कांप रहा था। महाराज ने उसी समय अपने सिपाहियों को बुलवाकर मंत्री को गिरफ्तार करवा दिया। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस अपराध की वजह से उसकी सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया गया। महाराज और महारानी राजकुमार संग्राम सिंह की बुद्धिमानी और होशियारी से बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के बाद संग्राम और राजकुमारी अनामिका की धूमधाम से शादी कर दी गई और वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता
राजा वो करता। अपने वहम और मनमर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी किसी का तो सारा परिवार ही कोल्हू में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई, राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से चार हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहां पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार चार हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वह वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ये कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा कि मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूँ। एक महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौटकर आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई। चार पांच दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वो इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव गांव और शहर शहर घूमने लगे। समय बीता, 28 दिन यूं ही बीत गए परंतु पंडित को कोई सुराग ना मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही
एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था, जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वो सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी ही खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु, ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा, सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वो बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये वेश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहाँ पर तो है परंतु वहाँ नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, धन के चक्कर में ये नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा, इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा, इसीलिए ये वहां पर है परंतु यहाँ पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज इसका उत्तर ये सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है, इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है, ये बड़ा ही दयालु है, धर्म परायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा, इसीलिए ये यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था।
अब वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई।